वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक की हम टॉप 500 करंट अफेयर्स देखेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप बात करें 11 अक्टूबर को जो आपका एग्ज़ाम है पीसीएस वाला, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो, और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या फिर आपका एसएससी का एग्ज़ाम मतलब स्टेनो वाला एग्ज़ाम हो, ठीक है, स्टेनो का एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी वीडियो, क्योंकि उसमें वहाँ पे भी 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही आएंगे। तो यहाँ से इन 500 क्वेश्चन में से ये गारंटी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई सा भी हो। इन्हीं 500 क्वेश्चन में से लगभग 80-90% आप लोगों की करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी पूरी वीडियो देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपये कर दिया गया है। तो देखिए ये कर दिया गया 25 लाख रुपये। इसमें इस वीडियो में जो हम देखेंगे ये हम करेंगे अगस्त से, मतलब अगस्त, फिर धीरे धीरे करते हुए अगस्त से जनवरी की तरफ चलेंगे। तो पूरा हमारा जनवरी से अगस्त लगभग टॉप 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जितने भी हैं इनको रट डालो एकदम, जैसे बस रट डालिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। ये किया गया है आपका केरला में। अब देखिए बताइए केरला के सीएम कौन है। केरला के सीएम है आपके पिनराई विजयन, ठीक है जी, आपके केरला के सीएम है पिनराई विजयन, ये आपके केरला के सीएम। तो ये भी ध्यान रखना साथ में, क्योंकि एनटीपीसी में कौन से वो एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में स्टेट के सीएम और गवर्नर ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। आपके साथ साथ हम बताते चलेंगे, तो आपको ये पूरा देखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी करेगा। तो 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी कौन करेगा, वो करेगा आपका भारत करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन ने किस पड़ोसी देश के साथ अपने संबंध ख़त्म किए हैं। ये किस देश के साथ किए गए हैं, ये किए हैं बेलारूस के साथ किए गए हैं। अभी देखिए बेलारूस काफ़ी उसमें रहा था, सुर्खियों में भी रहा था, काफ़ी न्यूज़ में रहा था। अच्छा ये बताइए बेलारूस की कैपिटल क्या है, तो आप लोग कमेंट में बताइए। चलो हिंट दे देते हैं, ये यूरोप में है, ये यूरोप में पड़ता है। अब आप बस इतना बताइए कि बेलारूस की कैपिटल क्या है, ठीक है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा इसकी जो है ना, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आया है, हाल ही में पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, वो किस राज्य ने शुरू की है। देखिए वो केरला सरकार ने शुरू करी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू करी गई है, वो करी है केरला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, चैडविक बॉसमैन का हाल ही में निधन हो गया था। वे एक अभिनेता थे, ठीक है। अभी हाल ही में इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ भी बनाई हैं, ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो अभी पिछले मतलब अगस्त में इनका निधन हो गया था, ये एक अमेरिकन एक्टर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि इस 2020 में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन भी हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है कि वो किससे रिलेटेड थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, 2020 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने। अब देखिए ये कंफ्यूज मत होना, ये जैसे 2020 क्रिकेट में पूछा है 500 विकेट लेने वाले, तो 2020 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले ड्वेन ब्रावो बने हैं, वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है, वेस्ट इंडीज़ के। अगर बात कर रहा है 2020 क्रिकेट की 500 विकेट में, तो ड्वेन ब्रावो होगा। अगर वो बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पहले लेने वाले जेम्स एंडरसन बने हैं, इंग्लैंड के बॉलर हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं और पेपर में पूछे जा सकते हैं।
तो जेम्स एंडरसन ने लिए टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट इंग्लैंड की टीम से, और ये लिए वेस्टइंडीज़ के हैं ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने 2020 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में 2020 वो हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति कौन बने? ये बने, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जेफ बेजोस, बेजोस मतलब ये इसका आंसर इस, ये कौन है, ये आपके सीईओ है किसके, अमेज़न के सीईओ है जेफ बेजोस, ये आपको ध्यान रखना है, ये सीईओ है अमेज़न के, क्योंकि रेलवे में और एनटीपीसी रेलवे एग्जाम्स में चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो उसमें सीईओ पूछे जाते। पिछली बार भी देखा था ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन बने थे यहाँ से, और कैपिटल से मतलब कैपिटल से सीएम से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो एकदम बिल्कुल से रट डालिए, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए याद रखिएगा, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये क्या है आपका, गुजरात ने, ठीक है, गुजरात ने क्या है, गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के सीएम है विजय रूपानी जी, गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, ये गुजरात के सीएम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त किया है? ये क्या है, अफ्रीका को किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले, देखिए जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे ये वही क्वेश्चन है, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पे ड्वेन ब्रावो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट में बात कर रहा है, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन हो जाएगा, और ये कहाँ के, ये इंग्लैंड के गेंदबाज हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी लागू की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, अब देखिए 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये आपका बना है कर्नाटक देश का, ये याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे इस बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वो बना है कर्नाटक, और कर्नाटक के सीएम कौन है? येदुरप्पा, ठीक है जी, ये इसके कौन है, सीएम है बीएस येदुरप्पा। अच्छा, जितने भी राज्य हैं उनकी जो जो इसमें आ रहे हैं ना, उनके गवर्नर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने, कुछ आप करिए और कुछ हम करेंगे, तो देखिए बिल्कुल कवर हो जाएगा जनवरी से लेकर अगस्त तक, फिर आपको कोई और वीडियो कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं कवर हो जाएगा सब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया ये किया गया है अश्विनी भाटिया किया गया है, ठीक है, एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये अश्विनी भाटिया जी को किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? देखो नियुक्ति पूछता है, नियुक्ति जरूर आती है, जितने भी एग्जाम्स हैं जितने भी लेटेस्ट नियुक्ति हुई होती है वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो देखिए इधर से भी एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, वो किया गया राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो देखिए ये लगातार इंदौर ने इस बार भी स्वच्छ सर्वेक्षण सूची में पहले नंबर पर रहा है ये, तो इंदौर पहले भी था और इस बार भी इंदौर ही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द एनीवेयर स्कूल एक नामक एक नई पहल की घोषणा की, ये किसने की, ये की गूगल ने की है। देखिए जैसे अब कोरोना टाइम पे जो लाइव क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसे सपोर्ट करने के लिए एक इन्होंने एक स्कीम शुरू करी है एनीवेयर स्कूल गूगल ने, जिसमें जूम क्लासेस पे लाइव क्लासेस हो रही हैं और भी है, तो उसे सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक पहल शुरू करी है गूगल ने। और बताइए गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ हैं आपके सुंदर पिचाई, ठीक है, ये गूगल के क्या है, ये गूगल के सीईओ हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? अब सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये किया गया आपका मेघालय को किया गया। अब मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और मेघालय के सीएम कौन है? मेघालय के सीएम है कॉनराड संगमा, ये मेघालय के
सीएमए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉनरोड सगमा, ये आपके वो हैं। अच्छा, अगर आपको इसमें कुछ वीडियो में कुछ चेंजेस चाहिए, जो ये सीरीज चल रही है, अगर इसमें कुछ चेंजेस चाहिए कि हिंदी या इंग्लिश में बायलिंगुअल चाहिए, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कोशिश करेंगे हम उसे चेंज कर सकें, ठीक है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किया, वह किस राज्य में? देखिए, अटल सुरंग का भी उद्घाटन किया था अगस्त 2000 में, अभी शायद से ये 11-12 तारीख की बात है। तो ये कौन से राज्य में? ये है हिमाचल राज्य में, ठीक है। और हिमाचल के सीएम कौन है? हिमाचल के सीएम है जयराम ठाकुर, ये याद रखिए। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है उसके जयराम ठाकुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में शून्य मौत का लक्ष्य तय किया गया है? ये किया गया आपका 2030 तक, ये ऐसा बोला गया है कि ये इन्होंने एक लिमिट रखी है, लक्ष्य रखा है कि 2030 तक अब सड़क दुर्घटना में एक कोई भी मौत ना हो, शून्य मौत हो, ये लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। अब देखिए, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा गोवा में किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो देखिए, इसकी थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अच्छा, ये जरूर बताइए क्या कि इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम हर साल किस दिन बनाते हैं, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहत इंदौरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक शायर थे, ठीक है। राहत इंदौरी जिनका हाल ही में, यानी कि अगस्त में इनका निधन हो गया, तो ये शायर थे एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिंदा राजपक्षे ने कौन सी बार श्रीलंका के, मतलब कितने लगातार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? ये लिया चौथी बार ली, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछ लेना, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पिछली बार बांग्लादेश से पूछा गया था, ठीक है, तो ऐसे इस बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कौन से बार शपथ लिए, वो चौथी बार लिए, लगातार 4 बार से ये वहाँ के सीएम हैं, वो प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुरुष 2021 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए, यहाँ पे पुरुष 2021 का मतलब यहाँ से 2020 वर्ल्ड कप से है, तो 2020 वर्ल्ड कप, 2021 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, बुक है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखी? अभी ये जैसे अयोध्या में राम मंदिर वाला जो वहाँ पे नींव रखी गई थी पिछले अभी अगस्त में, तो ये उस वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके ऊपर बुक है अमेजिंग अयोध्या, तो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी कि किसने लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा नीना रॉय ने लिखी ये बुक अमेजिंग अयोध्या, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोकली किस फसल की किस्म है? पोकली किस फसल की किस्म है? देखिए, ये चावल की किस्म है एक पोकली, ये ध्यान रखना। अब देखिए, हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, ये किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है कैग के, ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया है भारत के नए कैग, यानी कि भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को गिरीश चंद्र मुर्मू है, इन्हें नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। अब देखिए, अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किस वास्तुकला शैली का पालन किया गया है? ये किया गया द्रविड़ शैली का, ठीक है जी, ये किया गया द्रविड़ शैली का पालन किया गया वास्तुकला शैली में। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, थेनेजोल गोल्फ कोर्स का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है आपका मिजोरम में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले, आदि परेक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है आदि परेक्कू महोत्सव, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया दीपांकर घोष को,
अच्छा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि प्रेम भाटिया पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ये मिला किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार, ये मिला है दीपांकर घोष को, ठीक है, ये जरूर कमेंट करके बताइए कि ये किस फील्ड में दिया जाता है प्रेम भाटिया पुरस्कार। अब देखिए भारत का पहला राज्य जिसकी 3 राजधानियाँ होंगी, देखिए अभी इस पर बात चल रही है कि भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा होगा जिसकी 3 राजधानियाँ होंगी, तो ये बताइए कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, इसका आंसर होगा। अब देखिए आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, आंध्र प्रदेश के सीएम इस टाइम जगन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम है। अब बताइए 3 कौन कौन सी इनकी वो होंगी, क्या नाम है राजधानी होगी, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होने वाली है, इस पर बात चल रही है, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर पहुँच चुका है। तो अब बताइए कि आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी 3 राजधानी होंगी। अच्छा दो मैं बताता हूँ, एक तो विशाखापट्टनम होगी, ठीक है, एक तो विशाखापट्टनम होगी और एक होगी आपका अमरावती हो गई, एक अमरावती हो गई है, ठीक है। अच्छा तीसरी आप बताइए, तीसरी कौन सी होगी, ये आपको आप बताना है नीचे कमेंट करके कि एक तो विशाखापट्टनम हो गई है, एक आपका अमरावती हो गई है और तीसरी आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी आंध्र प्रदेश की तीसरी राजधानी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरुआत किस राज्य ने की है, ये की है एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है, ये करी है मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा के मार्स रोवर्स का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये किया गया है प्रेजर्वेंस को किया गया है, पहला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि नासा के मार्स रोवर्स का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, ये किया गया प्रेजर्वेंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने 6वें ब्रिक्स पर्यावरण बैठक की मेजबानी की है, देखिए अभी अगस्त में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था रूस में हुआ था, ठीक है। हाल ही में किस देश ने 6वें ब्रिक्स, अच्छा ये बताइए कि रूस के कौन से शहर में हुआ था, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि रूस के कौन से शहर में ब्रिक्स पर्यावरण बैठक की मेजबानी करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, ये किसे किया गया है, ये किया गया है हार्दिक सतीश चंद शाह को किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है हार्दिक सतीश चंद शाह को किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत की सहायता से निर्मित अपने नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर पूछा जा सकता है, तो जरूर से याद कर लेना। देखिए किस देश ने कराया उद्घाटन, ये किया गया मॉरिशस में किया गया, ठीक है, मॉरिशस में भी, ये भारत की सहायता से उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट बनवाया है और उसका उद्घाटन किया है मॉरिशस ने। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे सौर ऊर्जा पार्क जो है ना, ऐसे ही सौर ऊर्जा पार्क श्रीलंका में बनने जा रहा है, वो भी भारत, उसकी मदद क्या कौन करेगा, भारत करेगा। अगर पूछ ले कि सौर ऊर्जा पार्क बनाने की योजना कौन कर रहा है, तो वो श्रीलंका में होगा और किसकी मदद से हो रहा है, वो हो रहा है भारत की मदद से, ठीक है। तो ये याद रखना, श्रीलंका में बन रहा है सौर ऊर्जा और किसकी हेल्प ले रहा है, वो भारत की हेल्प ले रहा है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर वो पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किसने किया है और भारत की मदद से, तो वो उसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। अगर वो पूछे सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन श्रीलंका में होगा कि उसको और उसकी मदद कौन करेगा, भारत करेगा, तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा। देखिए इसकी पहली सीरीज़ है, दूसरी सीरीज़ आपको कल मिल जाएगी, कल शाम तक कोशिश करेंगे, कल शायद आपको दो सीरीज़ मिल जाए इसकी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और इसे पूरा फॉलो कर लीजिए। देखिए 500 के 500 क्वेश्चन रट डालिए, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बस ये पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपकी करंट अफेयर्स पक्की हो जाएगी पिछले 6 महीने की, फिर जो सितंबर जो आगे चलेगी वो हम फिर बाद में करवाते रहेंगे। तो बस इतना कर लीजिए, बहुत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, ज़रूर से कर लेना और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लाइक शेयर कर देना और हाँ, अगर आपको हमारी अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। तो
ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।